गाइज, आज इस वीडियो को बनाते हुए मुझे सच में प्राउड फील हो रहा है अपने शहर के ऊपर, जहाँ पे आप लोग फ्री में रह सकते हैं और आपको सुबह और शाम को खाने के लिए सिर्फ और सिर्फ 50 रुपये देना होगा। मुझे नहीं पता कि इस तरह की व्यवस्था बाकी शहर में है या नहीं है, लेकिन आपके अपने शहर प्रयागराज में जरूर है। स्वामी जी, यहाँ रुकने के लिए रूम मिल जाएगा क्या? पार पास है ये? संगम स्नान के लिए आएंगे, हमारे कुछ दोस्त हैं आगरा से। ठीक है जी। अच्छा, तो यहाँ बहुत सब चीज़ें कैसे हैं, मतलब किराया वराया? ये देखो, किराया का सिस्टम नहीं, ये आश्रम। अच्छा, दान डोनेशन के ऊपर चलता है। अच्छा, ठीक है, जाओ ले जाओ बाबू, ले जाओ पीछे। सबसे पहले, जो लोग प्रयागराज से नहीं है, मैं आप सभी का एक बार फिर से प्रयागराज के माघ मेला 2023 में इस वीडियो के माध्यम से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। संगम का माघ मेला देखने के लिए लाखों करोड़ों लोग दुनिया के कोने कोने से आते हैं। आप सभी प्रयागराज में कहाँ कहाँ रुक सकते हैं और कौन कौन सी जगह पर आप घूम सकते हैं और कहाँ आपको बेस्ट फूड फैसिलिटीज़ मिल सकती है, इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको सही इन्फॉर्मेशन मिल सके। गाइस, 2023 में माघ मेले का स्नान 6 जनवरी 2023 से 18 फरवरी 2023 तक चलने वाला है। इनमें कुछ खास स्नान के दिन इस प्रकार से हैं। पौष पूर्णिमा 6 जनवरी 2023 दिन शुक्रवार को पड़ेगा। मकर संक्रांति का स्नान 14 फरवरी दिन शनिवार को पड़ेगा। तो आप लोग इन डेट्स को आके माघ मेला का स्नान कर सकते हैं। गाइस, जब हम बात करने वाले हैं कि आप प्रयागराज में कहां पर रुक सकते हैं, प्रयागराज का पुराना चैरिटेबल आश्रम, जिसका पूरा नाम है भारत सेवाश्रम संघ, जो कि प्रयागराज रेलवे जंक्शन से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर और प्रयागराज सिविल लाइंस बस स्टॉप से 3 किलोमीटर की दूरी पर, और अगर हम बात करें रामबाग रेलवे स्टेशन से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर ये आश्रम स्थित है। और प्रयागराज का एक और आउटर स्टेशन है जो कि छिवकी रेलवे स्टेशन है, वहाँ से अगर आप इसकी डिस्टेंस देखेंगे तो लगभग ये 10 किलोमीटर की दूरी पे है। इस आश्रम तक पहुंचने के लिए आप 20 रुपए में ऑटो या ई रिक्शा से आ सकते हैं। अगर आप छिवकी रेलवे स्टेशन से हैं तो आपको 25 से 30 रुपए लगेगा यहाँ तक आने में। इस जगह पर रुकने के लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं देना होगा, बिल्कुल फ्री है। आश्रम का गेट सुबह 5 बजे खुल जाता है और रात को 10 बजे बंद हो जाता है। इस आश्रम में गरीब और असहाय व्यक्तियों के लिए फ्री मेडिकल फैसिलिटीज भी अवेलेबल है और यहाँ पे एक पब्लिक लाइब्रेरी की व्यवस्था है जहाँ पे आप बुक्स पढ़ सकते हैं। गाइस, यहाँ पर अंदर शिवाजी, दुर्गा माँ और हनुमान जी का मंदिर है, तो अगर आप सुबह सुबह पूजा पाठ करना चाहते हैं तो यहाँ पर आके आप कर सकते हैं। दिस इज द वन ऑफ बेस्ट प्लेस फॉर स्पिरिचुअल एक्टिविटी। अगर आप धार्मिक उद्देश्य से आते हैं तो यह जगह आपके लिए बहुत ही अच्छी है। गाइज, यहाँ पर सभी प्रकार के कमरे अवेलेबल है, जैसे 1 बेड वाले, 2 बेड वाले, 4 बेड वाले, 8 बेड वाले और 16 बेड तक की अवेलेबिलिटी है यहाँ पर, विथ अटैच टॉयलेट बाथरूम। साथ में 2 व 4 बेड वाले एसी रूम्स भी अवेलेबल होते हैं और यहाँ पर दोपहर और रात्रि को मात्र 50 रुपए में महाप्रसाद का भोग मिल जाता है, जिसको कि हम लोग लंच और डिनर बोलते हैं। और यहाँ पे एक बात और आपको ध्यान देनी होगी कि आपको अपना डोर लॉक लेके जाना होगा, क्योंकि आश्रम की तरफ आपको कोई भी डोर लॉक नहीं प्रोवाइड किया जाता है। गाइस, इस आश्रम का कैंपस बहुत ही ज्यादा बड़ा है और अंदर बहुत ही ज्यादा ग्रीनरी है, छोटे छोटे गार्डन भी बनाए गए हैं जिसका आप आनंद ले सकते हैं और अंदर बहुत ही ज्यादा साफ सफाई देखने को मिलेगी। गाइस, और आपको एक चीज यहाँ पे और ध्यान देनी होगी कि यहाँ पर अंदर आपको चपाती नहीं मिलेगी, यानी कि रोटी नहीं मिलेगा। जब मैंने स्वामी जी से बात की तो मुझे अंदर पता चला कि यहाँ पर सिर्फ आपको चावल के साथ बाकी सारी चीज़ें मिलेंगी, बट आपको रोटी नहीं मिल पाएगी यहाँ पे अंदर। नमस्कार भैया, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि ये स्टेशन से कितनी दूर पे पड़ता है? स्टेशन से यहाँ की दूरी 1 किलोमीटर है, स्टेशन से, रेलवे स्टेशन जंक्शन से। और अगर हम सिविल लाइंस बस स्टॉप की बात करें तो वहाँ से कितनी दूरी पे पड़ेगा? अच्छा, और यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई आता है रुकने के लिए तो उसको क्या क्या व्यवस्थाएं मिल सकती है? हमारे जगह धर्मशाला के अंदर कमरा है, अगर डबल बेड के सारे कमरे हैं, जो जितने रूम है सब डबल बेड के हैं। जो अटैच है वो 500 रुपए का है, जो बिना अटैच है नई बिल्डिंग में उसका रेट बिना अटैच का 400 रुपए है। और चेकआउट का समय आप चाहे जब आएंगे अगले दिन सुबह 9 बजे। देखिए, हमारे यहाँ भोजनालय है, ऑर्डर देने में भोजन उपलब्ध हो पाएगा। तो उसी रेट में हो जाता है या भोजन के लिए अलग से? भोजन का अलग से पैसा, बाकी सारी व्यवस्था आपको खुद अपने करनी पड़ेगी, बस हमारे यहाँ रूम का चार्ज है। जैसा कि ये होटल जैन धर्म के नाम पे है तो यहाँ पे ज्यादातर जैन वाले लोग आते हैं या सभी लोग आते हैं? हालांकि हम लोग सब लोगों को देते हैं, ज्यादा प्रेफरेंस तो हमारे जैन समाज के लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उन्हीं के भाई संस्था है, उन्हीं के रूम नहीं देंगे तब कहाँ। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और यानी कि जो सीट होती है लाइटिंग, किसी कमरे वेस्टर्न है, किसी में इंडियन है, दोनों प्रकार की है। तो ये जैसे, ये जैसा कि हम देख रहे हैं ये नॉर्मल रूम है, क्या इसकी प्राइस कितनी है? 500 रुपए। लेटरिन बाथरूम अटैच है इसमें? यहाँ पे टॉयलेट बाथरूम वगैरह सब अटैच है।
और इस रूम की कॉस्ट जो है वो 500 रुपए है। अच्छा, सिंगल और डबल के भी 500 रुपए है, अगर तीन लोग होते हैं तो 650 रुपए। इस रूम में मतलब नॉर्मली कूलर की व्यवस्था मिल जाएगी और फैन की व्यवस्था रहेगी। इससे थोड़ा सा और वीआईपी रूम में हम लोग चलते हैं, इसका रेट 400 रुपए है, इसमें दो पर्सन इसमें अलाउ है। अच्छा, ये बिना अटैच कमरा है। अच्छा, इसमें टॉयलेट बाथरूम अटैच नहीं है, इसका कॉमन बना हुआ है। अच्छा, तो उसमें हमारे स्टेट वेस्टर्न भी है, इंडियन भी है। अच्छा, कॉमन जो है, कॉमन जो है, तो इसका 400 रुपए है सिंगल के लिए भी, डबल के लिए भी, अगर तीन लोग होते हैं तो 525 रुपए। तो यहाँ पे भी सतीश भाई हमारे हिसाब से कमरा बहुत ही बढ़िया है, और नॉर्मली जो इसके पहले वाला भी रूम था वो भी बहुत ही अच्छा था, और यहाँ पे टॉयलेट बाथरूम अटैच नहीं है। एक चीज मैं कहना चाहूंगा ये कि इलाहाबाद या प्रयागराज के अंदर कहीं भी अगर आपको 200 रुपए पर पर्सन रूम नहीं मिलेगा, दो व्यक्ति है बिल्कुल, तो मैं कहूंगा कि 400 रुपए में दो लोगों के लिए इतना सस्ता रूम कहीं भी मिलेगा, ये मैं कह सकता हूँ। और ये भी डबल बेड का है, अच्छा 300 रुपए है। अच्छा, ये जो रूम है दो पर्सन डबल लोगों के लिए बहुत सही, 300 दो पर्सन के लिए, और अगर आपको कुछ सस्ता रूम चाहिए, अच्छा चाहिए सस्ते में, तो ये रूम जो है 300 रुपए का है, और दो व्यक्ति रहे हैं चाहे एक व्यक्ति रहे हैं, और मान लीजिए बेड भी है, डबल बेड भी है, आराम से इस पे रह सकते हैं, और बाकी चद्दर वगैरह कंबल वगैरह सब सारी व्यवस्था रहती है। तो रूम ये भी काफी बढ़िया, अब इससे सस्ता सतीश भाई तो हमें नहीं लग रहा है कि मिल पाएगा, 300 रुपए से ज्यादा सस्ता आप क्या चाहिए हाँ लोगों को। अच्छा, ये रूम जो है 350 रुपए में 2 पर्सन के लिए, और इसमें टॉयलेट बाथरूम जो है यहाँ पे साइड अटैच्ड है। अच्छा, इस टाइप के टोटल अभी आपके पास 10 रूम है। देखिए, ये हमारे यहाँ डॉर्मेट्री है, यहाँ पे एक बेड मिलेगा एक यात्री के लिए, और एक यानी कि तख्त मिलेगा, उस पर गद्दा मिलेगा, ओढ़ने के लिए कंबल मिलेगा, और उसको सामान अपना रखने के लिए एक लॉकर मिलेगा। अच्छा, लॉकर में ताला चाबी आपको बना लगाना पड़ेगा। हाँ, ओके। और 125 रुपए ओनली, 125 रुपए ओनली, 125 रुपए ओके। बाकी टॉयलेट बाथरूम की व्यवस्था सब कुछ रहेगा ही यहाँ पे, कॉमन व्यवस्था है। अच्छा, गर्म पानी की वहाँ व्यवस्था है, यानी कि एक सौर ऊर्जा लगा है, प्लस उसको बिल्डिंग में गीजर लगा है। ओके, बाकी फोन वगैरह चार्ज करने की तो व्यवस्था, सारी व्यवस्था है यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे काफी बोर्ड वोर्ड भी बने हैं। तो गाइज, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि प्रयागराज में, वो भी मेन शहर में, जहाँ की लोकेशन बहुत ही नज़दीक है, 1 किलोमीटर बस स्टॉप और 1 ही किलोमीटर रेलवे स्टेशन से भी है, तो यहाँ पे आपको डॉर्मेट्री मिल रही है, वो भी 125 रुपए। क्या ये भैया ऑन कैमरा बोल रहे हैं, ये सब लोगों के लिए रहे? भाई बिल्कुल बिल्कुल ऑन कैमरा है, आप आइए, जितने लोग आ सकते हैं आइए, यहाँ पे रूम अवेलेबल भी रहते हैं, ऐसा नहीं रहता कि हमेशा फुल रहे। अभी देखिए, जैसे आपकी स्पेस भी खाली रहेगा, आपको एक प्रॉपर बेड मिलेगा, बेड के साथ आपको ये गद्दा भी मिलेगा और कंबल भी मिलेगा, फोन वगैरह चार्ज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया हर चीज़ की व्यवस्था यहाँ पे अवेलेबल है, और मात्र 125 रुपए में। तो गाइस, अब हम आपको ले चलते हैं तो हैं वीआईपी रूम की तरफ, और वीआईपी रूम कितने से स्टार्ट है सतीश भाई यहाँ पे? 900 रुपए से स्टार्ट, 900 रुपए से, तो और बहुत ही अच्छी व्यवस्था है, आप लोग यहाँ पे आके 900 रुपए का मतलब पर पर्सन समझ लीजिए, या दो लोगों के लिए समझ लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, और जैसे ही तीन लोग होंगे तो हमें लगता है कि 200 रुपए या 150 रुपए ऐसे कुछ आपको इंक्रीज कर दिया जाएगा बस, बाकी आप यहाँ पे रह सकते हैं, बहुत ही अच्छी सुविधा है। तो गाइस, ये है आपका एसी रूम, और इस रूम के लिए जो चार्ज है फॉर 2 पर्सन 900 रुपए है, और काफ़ी अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे। तो जितने भी भाई लोग हैं जो बाहर से हैं, जिनको संगम आना है घूमने के लिए प्रयागराज में, आप देख सकते हैं इस तरह के रूम हैं, जहाँ पे पीछे टॉयलेट बाथरूम भी अटैच है, और यहाँ पे सामने एसी भी लगी हुई है। इस रूम की जो कॉस्ट है वो फॉर 2 पर्सन 900 रुपए है, और बहुत ही अच्छा यहाँ का माहौल है, बहुत ही आपको शांति मिलेगी, कोई ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा शोर शराबा रहेगा। तो गाइज़, अगर आप यहाँ पे रूम लेने लिए आते हैं, या आपको अगर ऑनलाइन बुक करनी है, तो आप पहले ये प्रिकॉशंस बहुत ही केयरफुली पढ़िएगा, और आपको बहुत ही जेन्युइन इसी साइट पे जाके बुक करना होगा, yatradham.org। अदर किसी वेबसाइट पे अगर आप बुक करते हैं तो वो यहाँ पे मान्य नहीं होगा, और बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड केसेस होते रहते हैं। सो गाइज, इस वीडियो में हमने आपको दो धर्मशाला दिखाया, आप वहाँ पे जाके रुक सकते हैं, बहुत ही फाइनली अच्छी व्यवस्था है, मेरा ओपिनियन है आप इन्हीं दोनों धर्मशाला में रुकिए। अगर आपको कहीं और भी रुकना है तो आप ओयो वगैरह पे चेक कर सकते हैं, एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स फैमिली और रिलेटिव के साथ शेयर करिए, जिनको भी संगम आना है स्नान करने के लिए, ताकि किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। और मैंने बोला था किसी वीडियो में आपको फूड और टूरिज्म प्लेसेस भी दिखाएंगे, कहाँ कहाँ पर आप प्रयागराज में घूम सकते हैं, बट वीडियो काफी बड़ा हो रहा था तो इसलिए उसको अलग पार्ट में करेंगे। तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको नेक्स्ट पार्ट का अपडेट मिल जाए,
एंड फाइनली अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। और फिर से एक बार आपका स्वागत है प्रयागराज माघ मेला 2023 में।